सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वाहन में भरकर ले जा रहे 18 मवेशियों को पुलिस ने कराया मुक्त। सावनेर पांडुर्णा मार्ग पर शनिवार को रात करीब 10 बजे थानेदार अमित कुमार अतराम गश्त पर थे। इस दौरान मध्य प्रदेश से पांडुर्णा मार्ग होते हुए अवैध रूप से मवेशियों को नागपुर के बुजड़खाने ले जाने की गुप्त सूचना उन्हें मिली। सूचना के आधार पर शनिवार को बिहाड़ा फाटे के पास नाकाबंदी की गई। गाड़ी MH40CD8704 को रोककर तलाशी लेने पर वाहन में निर्दयता पूर्वक 18 भैंस व एक भैंस मृत अवस्था में दिखाई दी। मध्य प्रदेश से नागपुर ला रहे थे। चालक से पूछताछ करने पर उसने मध्य प्रदेश से नागपुर के बूचड़खाने में मवेशी ले जाने का खुलासा किया। चालक असीम शेख शाबिल शेख 27 वर्ष, सहचालक मोहम्मद ईसा शेख अबू शेख 22 वर्ष व शिवागिरी गोपालगिरी 29 वर्ष, सभी परासिया रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के निवासी को गिरफ्तार किया गया है। वाहन कीमत 22 लाख व 18 भैंसों की कीमत 5,40,000 रुपए बताई जा रही है। ऐसे कुल 27,40,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। केलवत पुलिस स्टेशन में सभी आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही थानेदार अमित कुमार आतराम के मार्गदर्शन में रविंद्र चटप, रविंद्र डोरले, जामादार धोड़ू दात्या देवकाते, सतीश येलकर, पंकज कोहाड़, गुणवंता डोकले आदि ने की। वाहन में भर कर ले जा रहे 18 मवेशियों को पुलिस ने कराया मुक्त। सावेनर पांडुर्णा सावेनर मार्ग पर शनिवार को रात करीब 10 बजे थानेदार अमित कुमार आतराम गश्त पर थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के पांडुर्णा मार्ग होते हुए अवैध रूप से मवेशियों को नागपुर के बुजुर्ग खाने ले जाने की गुप्त सूचना उन्हें मिली। सूचना के आधार पर शनिवार को बिहारा फाटे के पास नाकाबंदी की गई। गाड़ी MH40CD8704 को रोककर तलाशी लेने पर वाहन में निर्दयता पूर्वक 18 भैंस व एक भैंस मृत अवस्था में दिखाई दी। मध्य प्रदेश से नागपुर ला रहे थे। चालक से पूछताछ करने पर उसने मध्य प्रदेश से नागपुर के बुजुर्ग खाने में मवेशी ले जाने का खुलासा किया। चालक असीम शेख शाबिर शेख 27 वर्षीय, सहचालक मोहम्मद ईसा शेख अबू शेख 22 वर्षीय व शिवगिरी गोपालगिरी 29 वर्षीय, सभी प्रासिया रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश निवासी को गिरफ्तार किया गया। वाहन कीमत 22 लाख व 18 भैंसों की कीमत 5,40,000 रुपए, ऐसा कुल 27,40,000 रुपए का माल जब्त किया गया। केलवत पुलिस स्टेशन में सभी आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई थानेदार अमित कुमार आताराम के मार्गदर्शन में रविंद्र चटप, रविंद्र डोरले, जमादार धुंडू दातिया देवकाते, सतीश यलकर, पंकज कुहार, गुणवंता डाकोले आदि ने की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी एप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।